नमस्कार साथियों, आज एक और विषय आपके बीच में लेकर के आया हूँ जो हर एक लीडर को चाहिए, प्रोस्पेक्टिंग एंड फॉलोअप। ये हमारा बेसिक है और इसे हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। आप चाहे किसी भी लेवल पर हो, अगर आप प्रोस्पेक्टिंग और फॉलोअप करना बंद कर रहे हैं तो आपका बिजनेस रुक सकता है। इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि प्रोस्पेक्टिंग और फॉलोअप आपका लगातार चलते रहना चाहिए, चाहे आप किसी भी लेवल पर पहुंच जाएं। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि आप किसी भी लेवल पर हैं, आपका प्रोस्पेक्टिंग एंड फॉलोअप नहीं रुकना चाहिए। आपके बिजनेस के ग्रो के लिए ये बहुत जरूरी है और इसमें हमेशा कुछ ना कुछ सुधार, कुछ ना कुछ सीखते हुए हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि जब तक आप ये काम करते रहेंगे आपको इसमें से सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो आइए चलते हैं, कुछ पॉइंट्स नोट करते हैं यहाँ पर आज कि कौन से वो पॉइंट होने चाहिए, कौन से वो की पॉइंट होने चाहिए कि हम अपने बिजनेस को रोजाना डेली तेजी से बढ़ा सकें। चलिए मैं आपको स्लाइड की ओर लेकर चलता हूँ जहां पर हम देखेंगे पॉइंट टू कीप इन माइंड व्हाइल प्रोस्पेक्टिंग, यानी कि प्रोस्पेक्टिंग करते वक्त हमें ऐसे कौन से पॉइंट है जो बहुत जरूरी है, कभी कभी हम इन्हें नजरअंदाज करते हैं, लेकिन ये पॉइंट आपके बिजनेस के लिए कितने खास हैं आप देखते ही पहचान जाएंगे। क्या है वो पॉइंट? मस्ट मेक ए फ्रेंडली एटमोस्फियर। कभी भी आप अपना बिजनेस किसी भी व्यक्ति को दिखा रहे हैं, कहीं पर भी दिखा रहे हैं, लेकिन आपका वहां पर एक एटमोस्फियर क्रिएट करना बहुत जरूरी है। बिजनेस आपको करना है, अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको ये कला आनी चाहिए कि किस तरीके से एक फ्रेंडली एटमोस्फेयर क्रिएट किया जाता है वहां पर। साथ ही साथ स्माइल ऑन ए फेस, ये आपका टूल्स है, इसे कभी भूलना नहीं चाहिए। स्माइल ऑन ए फेस, जब भी आप किसी व्यक्ति के साथ या किसी भी लीडर के साथ इंट्रैक्शन करते हैं अपने आप को, तो आपके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान का होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ वेल ड्रेस्ड, आप देख सकते हैं इस पिक्चर के अंदर भी देख सकते हैं आप, कुछ लोग हैं जो कुछ बिजनेस की बातें कर रहे हैं, शायद यहाँ पर वो किस तरीके से वेल ड्रेसअप है, तो इससे भी आपका कॉन्फिडेंस झलकता है। योर वे टू स्पीकिंग शुड बी मैनरफुल एंड इन अ रिस्पेक्टेड वे। आपका जो बात करने का तरीका है वो बहुत स्वाभाविक होना चाहिए, मैनरफुल होना चाहिए, रेस्पेक्टेड होना चाहिए। अगले व्यक्ति को जब आप इज्जत देंगे तो अगला व्यक्ति भी आपको बदले में इज्जत देगा ही देगा। एग्जाम्पल के तौर पे बात करता हूँ, कुछ लोग कुछ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तुम क्या करते हो, नहीं ये गलत है, उसकी जगह बोलना है आप क्या काम करते हो। तो आप बोलने से बहुत कुछ फर्क पड़ता है और तुम बोलने से भी बहुत फर्क पड़ता है, तो इसलिए चुनना कौन सा शब्द है, आप, तो इसलिए क्या बोलना है, आप क्या काम करते हो, तो आपका इस्तेमाल करें और आप आगे अपनी बात बढ़ा सकते हैं। तो ये तो कुछ ऐसी बातें हैं जिसके लिए आपको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं, ये आपके पास ऑलरेडी होती है, बस इनको निखारने की जरूरत है और इनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि हाँ मुझे अगर अपना बिजनेस बढ़ाना है तो इन बातों का मुझे ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ टूल्स दैट यू शुड हैव व्हाइल प्रोस्पेक्टिंग, यानी कि जब आप प्रोस्पेक्टिंग करने जा रहे हैं तो कुछ टूल्स आपके पास होना चाहिए आपके बिजनेस से रिलेटेड। वो क्या होता है, प्रोडक्ट एंड देयर डेमो किट। आप किसी भी इंडस्ट्री में काम करते हैं, किसी भी आप प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो उसके कुछ प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट पर ही उस बिजनेस का पूरा बेस काम करता है, तो आपके पास वो कुछ प्रोडक्ट और उसका डेमो किट आपके पास होना जरूरी है। साथ ही साथ बुक्स एंड मैगजीन भी होनी चाहिए, आपके बिजनेस से रिलेटेड जो भी मैगजीन है, जैसे अभी मैं बात करता हूँ हमारी टीम के अंदर भी एक मैगजीन आई हुई है जिसे कार बुक कहा जाता है, तो वो आपके पास होना चाहिए। साथ ही साथ लैपटॉप या मोबाइल, आपका एंड्रॉयड फोन वगैरह आजकल के लिए बहुत जरूरी है, ताकि वो एप्लीकेशन आप उनको बता सकें, एप्लीकेशन के बारे में बता सकें, तो आप वो भी कर सकते हैं, ये भी आपके पास होना जरूरी है। पैम्पलेट्स, आजकल देखा होगा आपने आपके जो स्टोर्स हैं वहां से आपको 10-10 रुपए के बहुत सारे पैम्पलेट मिलते हैं, या आप अपने कुछ एड छपवा भी सकते हैं प्रिंटिंग प्रेस में जाकर के, तो ये आपके पास होना चाहिए। आपका विजिटिंग कार्ड भी आपके पास होना चाहिए, राइट? तो इससे आपका एक टूल किट बन जाता है। साथ ही साथ प्रोस्पेक्टिंग टेक्निक, बिल्कुल सही बात है, प्रोस्पेक्टिंग टेक्निक होनी जरूरी है। प्री चेकअप, सबसे पहले किसी भी व्यक्ति के पास अगर आप जा रहे हैं तो उसका प्री चेकअप करना जरूरी है, और उसके लिए मैं तैयार करता हूँ यहाँ पर बैंड टेक्निक टू क्वालिफाई द प्रोस्पेक्ट, ये जरूरी है हमारे लिए। बिफोर बजट, एबिलिटी टू स्पेंड, उस व्यक्ति का हमें ये देख लेना चाहिए कि इसका बजट क्या है, कि ये कितना बजट इस्तेमाल कर सकता है। मान लिया उसका बजट बहुत लोअर है, कोई स्टूडेंट है, कॉलेज का स्टूडेंट है या फिर कोई स्कूल का स्टूडेंट है, आप उसे कहेंगे क्या 10,000 रुपये की परचेजिंग कर लीजिए, वो नहीं कर पाएगा। आप उसे कहेंगे 3,000 की परचेजिंग कर लीजिए, वो नहीं कर पाएगा। तो उसकी जो कैपेबिलिटी है, जो उसका बजट है, उसके हिसाब से उससे बात करें। छोटा पैकेट दें उसे, जितना छोटा पैकेट देंगे उसके लिए उतना आसान होगा और वो बिजनेस में आ सकता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, बल्क परचेजिंग करने से ये बिजनेस नहीं होता है। कुछ लोग बल्क परचेजिंग पे ज्यादा ध्यान देते हैं, बस ये आज आया है इसको बिजनेस करा दो,
इससे ज्यादा से ज्यादा पीवी अपने ज्यादा से ज्यादा पॉइंट वैल्यू खिंचवा दो। नहीं नहीं ये गलत तरीका है। नेटवर्क बना करके बिजनेस बड़ा होता है, क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग है। तो नेटवर्क जितना ज्यादा बड़ा होगा, भले ही वो छोटा टिकट ले रहा है कोई बात नहीं चलेगा, लेकिन उसका बजट देख करके बात करनी बहुत जरूरी है। ए फॉर अथॉरिटी, यानी कि डिसीजन मेकर है या नहीं है ये देखना जरूरी है, वो घर में डिसीजन मेकर है या नहीं है ये देखना भी जरूरी है। साथ ही साथ एन फॉर नीड, यानी कि उसकी आवश्यकता क्या है, इनकम के लिए करना चाहता है, फैमिली सिक्योरिटी के लिए करना चाहता है, या ड्रीम पूरे करने के लिए चाहता है, या फिर सेल्फ एस्टीम खुद के रेस्पेक्ट के लिए करना चाहता है। कुछ लोगों की अलग अलग नीड होती है, तो ये पहचानना आपको जरूरी है। बात करते वक्त आपको ये पता चल जाएगा और ये कलाएं आपको आनी चाहिए। टी फॉर टाइमिंग, मार्केट में है, फैमिली के बीच में कोई फंक्शन चल रहा है या कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है घर के अंदर जिससे माहौल खराब है, तो उस समय आपको ये बिजनेस के बारे में बात नहीं करनी है। बात दोबारा करता हूँ, मार्केट में है, फैमिली के बीच में कोई फंक्शन चल रहा है या फिर रिसेंटली कोई इंसिडेंट हुआ है घर के अंदर, तो आपको उस समय अपने बिजनेस की बात नहीं करनी है। वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक रिलेशनशिप बना करके आप छोड़ दीजिए और टाइमिंग मांग लीजिए कि सर मैं इतने बजे आपको कॉल कर सकता हूँ क्या। दो ऑप्शन दे दीजिए, सर इतने बजे या इतने बजे, तो अगला व्यक्ति आपको समय दे देगा। इस तरीके से ये चीजें आपको प्री चेकअप करना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा क्लोजिंग के बारे में। जी हाँ, एनीवन इंटरेस्टेड देन मीटिंग विद एक्टिव अपलाइन, इसके बारे में बिल्कुल भी देरी ना करें। कुछ लोग देरी करते हैं, आईडी लगाया छोड़ दिया, आईडी लगा दिया छोड़ दिया, उसके बारे में आपने रजिस्ट्रेशन करवाना है। सो द प्लान एंड नॉलेज ऑफ द एप्लीकेशन एंड नॉलेज ऑफ द मार्केटिंग प्लान एंड बेनिफिट ऑफ द बिजनेस एंड क्लोजिंग, ये कुछ पॉइंट है जो आपको उसको बताने बहुत जरूरी है। यानी कि एक्टिव अपलाइन के साथ, जो भी आपका एक्टिव अपलाइन है उसके साथ उसका भेंट कराइए, उससे बात कराइए और उसके साथ उसका इंट्रैक्शन कराइए। आपका जो अपलाइन है उसे सुचारू रूप से बहुत अच्छे से बता सकता है। बस आपका काम है कि आप अपने एक्टिव अपलाइन के बारे में थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन उसके सामने जरूर कर दें कि मेरे अपलाइन ये है, वो इस तरीके से यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, ये लेवल है, इस तरीके से आप उसका आइडेंटिफिकेशन करके बता सकते हैं ताकि अगले व्यक्ति को भरोसा हो जाए कि हाँ एक टीम के साथ काम कर रहा हूं मैं, राइट। तो आगे चलता हूं लेकर के आपको फॉलोअप एंड नो क्लोजिंग, ऐसा भी होगा आपके साथ, फॉलोअप एंड नो क्लोजिंग, यानी कि आप फॉलोअप तो करेंगे लेकिन क्लोजिंग नहीं होगी। तो वहां पर क्या करना है, आप सुबह को अपना काम जरूर कीजिए, मॉर्निंग वेल विशेस, गुड मॉर्निंग सर, ये वगैरह जो भी आप भेजना चाहें भेज दीजिए। रिक्वेस्ट फॉर टाइम डिस्कस, यानी कि उसके साथ एक रिक्वेस्ट करें और डिस्कस करें, क्या क्या रिक्वेस्ट भेजनी है आपको कि सर बिजनेस के बारे में थ्रू ऑडियो मैसेज और वीडियो मैसेज। बहुत सारे लोग करते हैं ना, अगर आपका फोन नहीं उठा रहा मान लिया, वो आपसे बात ही नहीं कर रहा है, तो आपने क्या करना, ऑडियो मैसेज या वीडियो मैसेज उसको भेज दीजिए और उसे टाइमिंग मांग लीजिए कि सर आपके साथ डिस्कशन करना है। और फिर भी यदि आपको नो में आंसर मिले, यानी कि कभी आपने देखा होगा वो कोई जवाब ही नहीं देता अगला व्यक्ति, तो फिर आपने क्या करना है, अपलाइन के पास नंबर भेज दीजिए, सर आप एक बात कर लीजिए, ये कहानी है इसके साथ, मैंने किया था लेकिन इसने कोई जवाब नहीं दिया, एक बार आप भी ट्राई करके देख लीजिए। ओनली 3 कॉलिंग, ध्यान रखना सिर्फ 3 कॉल उसके पास जाने चाहिए, नहीं तो गड़बड़ क्या करते हैं बहुत सारे लोग, आपके जो मोबाइल नंबर है या व्हाट्सएप नंबर है उसको ब्लॉक में डाल देते हैं और रिपोर्ट भी कर देते हैं, तो आपका व्हाट्सएप भी बंद हो सकता है। अगर ज्यादा लोग आपके व्हाट्सएप को, बार बार किसी को भी मैसेज मत करना, वो इरिटेशन फील करता है। फिर आपने 3 कॉलिंग या फिर 3 मैसेज कर दिया काफी है, अगर उसने आना तो आ जाएगा नहीं तो नहीं आएगा, फिर ज्यादा पीछे पड़ने से उसका फायदा नहीं है। और उसके सामने आपने कभी भी अपने जो पर्सनल मीटिंग होती है, जो ट्रेनिंग मीटिंग लीक होते हैं उसको नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ एक जो मेगा सेमिनार आपका होता है, जो आपका बड़ा लीडर लेता है, सिर्फ एक मेगा सेमिनार उसको देना है। तब तक नहीं देना जब तक वो आपके बिजनेस में ना आए। कौन सा लिंक, आपके ट्रेनिंग का और पर्सनल मीटिंग का। ध्यान रहे इस बात का विशेष तौर से ध्यान रहे, किसी भी व्यक्ति को पर्सनल और ट्रेनिंग का मीटिंग लिंक तब दें जब वो आपके बिजनेस में शामिल हो जाए, यानी कि वो अपनी आईडी एक्टिवेट कर लें तब दें, इससे पहले सिर्फ मेगा सेमिनार करें या कोई वीडियो वगैरह डाल सकते हैं आप उसके सामने, दे सकते हैं आप उसको। फॉलोअप एंड विद क्लोजिंग, कुछ लोग क्लोजिंग भी करते हैं है ना, तो क्या करना है, वेल विश जरूर करना है, गुड मॉर्निंग का एक मैसेज उसके पास जाना जरूरी है, और साथ ही साथ उसे एप्लीकेशन के बारे में बताइए, मार्केटिंग प्लान के बारे में बताइए, बिजनेस की नॉलेज दीजिए, साथ ही साथ उसको क्या करना है, कैसे प्रोस्पेक्टिंग करना है, ये सारी बातें उसको बताना है। जैसे मैं बिजनेस में आपको बता रहा हूँ, सेम चीजें आपको उसको बतानी है कि भाई प्रोस्पेक्टिंग ऐसे करना है, क्योंकि वो रुकेगा नहीं, वो तेजी से चलता है। और दो वीक ज्यादा नहीं, उसको अटेंशन कर दीजिए कि सर आप लर्निंग जरूर कीजिए, थोड़ा सा सीख लीजिए बिजनेस के बारे में, ये बताना जरूरी है। काउंसलिंग विद इमोशन, हमेशा अपने अपलाइन से काउंसलिंग कराओ उस व्यक्ति की, फीलिंग लाइक फैमिली फ्यूचर ड्रीम। देखिए मैं क्यों बता रहा हूँ ये सब चीजें, जब आप उसके बारे में, उसकी फैमिली के बारे में बात करेंगे, उसके फ्यूचर के बारे में बात करेंगे, उसके सपनों के बारे में बात करेंगे, उसके टारगेट के बारे में बात करोगे,
तो मैं आपको बता दूं, वो व्यक्ति आपके साथ पूरी पूरी शिद्दत के साथ काम करना शुरू कर देगा, 100% सबमिशन मोड के साथ काम करना शुरू कर देगा, और यदि उसकी लाइफ सिग्निफिकेंस लाइफ बनती है तो आपकी ऑटोमेटिकली बन जाएगी। क्योंकि इस बिजनेस के अंदर अगर आपका कोई भी डाउनलाइन आगे बढ़ता है तो समझ लीजिए आप बढ़ रहे हैं। आप भी यही चाहते हैं कि आपके डाउनलाइन ज्यादा से ज्यादा बढ़े आगे, तो दोस्त ये चीजों का आपको ध्यान रखना होगा, इन बातों पर आपको गौर करना पड़ेगा और अपनी प्रोस्पेक्टिंग अच्छी कीजिए, आपका बिजनेस अपने आप आगे बढ़ेगा। ये बेसिक चीजें हैं, ये करना बहुत जरूरी है। आई थिंक आप समझ पाए होंगे जो मैं आपको बताना चाह रहा था। प्रोस्पेक्टिंग के लिए इससे बेस्ट ऑप्शन आपको नहीं मिल सकता, इससे बेस्ट टेक्निक आपको नहीं मिल सकती है। बाकी आप कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।